वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. बेटा आज हम करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं. सो सेल क्या है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. दिस इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल को किसने डिस्कवर किया था? सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने. रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665 में सेल को डिस्कवर किया गया था. उसके बाद एक साइंटिस्ट आए रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने बताया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है. रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि सेल जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. इन 1831 में बेटा उसके बाद सेल थ्योरी बताई गई. जो सेल थ्योरी बताई गई, द सेल थ्योरी, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. सेल थ्योरी को दो बायोलॉजिस्ट ने बताए थे, स्क्लैडन एंड सेक्विन. स्क्लैडन एंड सेक्विन. स्क्लैडन एंड सेक्विन ये दो बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बताया. बेटा हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्मूथ मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, नर्व सेल, स्पर्म, बोन सेल, ओव्यूम एंड फैट सेल. जो मेन पॉइंट है आपको पता होना चाहिए कि सेल इज मेड अप ऑफ, व्हाट इज द सेल इज मेड अप ऑफ. तीन फीचर्स होते हैं सेल्स के. सेल के थ्री फीचर्स होते हैं. कौन कौन से थ्री फीचर्स होंगे? उसमें एक होगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक आपका होगा न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ये सारे पॉइंट्स हम डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बेटा पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है. बेटा दूसरा नाम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है सेल मेम्ब्रेन. क्या है? सेल मेम्ब्रेन. एंड दिस सेल मेम्ब्रेन और दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नॉन एज selectively permeable membrane, is also known as selectively permeable membrane. बेटा यहाँ क्वेश्चन बनता है कि हम इसे क्यों कहते हैं selectively permeable membrane? Why we call cell membrane is a selectively permeable membrane? बेटा ये हर सेल है. इस सेल को, इसके सेल के चारों तरफ एक लेयर प्रेजेंट होती है, आउटर मोस्ट लेयर, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आल्सो नोन एज सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन. क्यों क्यों कहा गया? क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? मटेरियल्स को अलो करती है, परमिट करती है एंट्री करने में और एग्जिट करने में, इन एंड आउट ऑफ द सेल. इन एंड आउट ऑफ द सेल कौन हेल्प करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इस वजह से हम इसे कहते हैं सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन. परमीएबल मेम्ब्रेन. बेटा एक पॉइंट यहां से आता है वेरी इंपॉर्टेंट, डिफ्यूजन. कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का इन एंड आउट जाना अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूज़न. जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सेल से बाहर जाता है और ऑक्सीजन जो होती है वो सेल से अंदर आती है, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डिफ्यूज़न कहा जाता है. नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस बेटा ये ऑस्मोसिस क्या कहता है? ऑस्मोसिस हमें ये भी क्या कहता है कि वाटर की मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होना. वाटर के मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होना. ट्रांसपोर्ट होना कहाँ से कहाँ? हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, दैट इज नॉन एज ऑस्मोसिस. सो आप कह सकते हो कि जो वाटर है वो क्या फॉलो करता है? लॉ ऑफ डिफ्यूजन. वाटर फॉलो करता है लॉ ऑफ डिफ्यूजन. ऑस्मोसिस टू टाइप के होते हैं. ऑस्मोसिस आर ऑफ टू टाइप. कौन कौन से? एंडोऑस्मोसिस
एंड एग्जोस्मोसिस, राइट। अब बात आती है यहाँ पर कि एंडोस्मोसिस किसे कहा जाता है एंड एग्जोस्मोसिस किसे कहा जाता है। एग्जो मीन्स एक्सिट करना और एंडो मीन्स एंटर करना। तो इनको एक्सप्लेन करने से पहले आपको तीन सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना होगा। वो तीन सॉल्यूशन क्या है? हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन, हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटॉनिक सॉल्यूशन, एंड आइसोटॉनिक सॉल्यूशन, राइट बेटा। हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन जैसे कि मैंगो, अगर हम मैंगो की बात करते हैं तो इसमें स्वीटनेस ज़्यादा है और वाटर क्या है, वाटर का अमाउंट क्या है, कम। स्वीटनेस क्या है, मोर। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है जहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या हो, कम। वहीं अगर हम बात करते हैं हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन, जैसे एग्जाम्पल वाटरमेलन, वाटरमेलन में वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम, और स्वीटनेस क्या है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है बेटा, कम। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन। एंड द नेक्स्ट इज आइसोटॉनिक सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मीन्स वाटर और सेल, वाटर और सेल दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं हम, आइसोटॉनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर देखते हैं हाइपरटॉनिक और हाइपोटॉनिक के बीच में डिफरेंस। देखो यहाँ पर भी वाटर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी वाटर प्रेजेंट है, राइट। अब आपने क्या देखा कि यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन लेते हैं हम 2 मोलर, यहाँ भी हमने वाटर की कंसंट्रेशन ली 2 मोलर। एक सेल हमने प्लेस किया, ये सेल है जिसकी कंसंट्रेशन है 3 मोलर, और यहाँ पर एक सेल प्लेस किया जिसकी कंसंट्रेशन है 1 मोलर। ध्यान से समझना बेटा, जब सेल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वाटर की कंपैरिजन में, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। जब सेल की कंसंट्रेशन कम होती है वाटर की कंपैरिजन में, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन। बेटा यहाँ बात क्या आती है, यहाँ हम डिफाइन करेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या कहता है कि वाटर, वाटर का ट्रांसपोर्ट होना, हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन। तो पहला केस जो है, फर्स्ट केस, यहाँ पर हाई वाटर की कंसंट्रेशन कहाँ है, इस सेल की। तो इस सेल में से जो वाटर का अमाउंट होगा वो बाहर निकलेगा, वाटर का अमाउंट बाहर निकलेगा, और ये सेल क्या हो जाएगा बेटा, श्रिंक। यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड केस में, देखो सेकंड केस में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ पर है, इस वाले केस में, यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अब क्या होगा, ऑस्मोसिस कहता है कि वाटर ट्रेवल करेगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, और ये सेल क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। ये क्या कर जाएगा बेटा, स्वेल कर जाएगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपोटॉनिक। सेल में से वाटर का रिलीज होना एग्जोऑस्मोसिस कहलाता है, और ये एंडोऑस्मोसिस। आई होप ये पॉइंट आप सबको क्लियर हुआ है, राइट। यस बेटा, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर सेल वॉल। सेल वॉल, सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके चारों तरफ भी एक लेयर होती है, अनदर रिजिड आउटर कवरिंग, दैट इज नोन एज सेल वॉल। दिस इज सेल, अराउंड द सेल देयर इज अ मेम्ब्रेन विच इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन, एंड अराउंड सेल मेम्ब्रेन देयर इज रिजिड
वॉल विच इज़ नॉन एज सेल वॉल, विच इज़ नॉन एज सेल वॉल, दिस इज़ नॉन एज सेल वॉल. सेल वॉल लाइज अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बट अ सेलुलोज इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट. नेक्स्ट टाइम आता है यहीं से प्लाज्मोलाइसिस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लाज्मोलाइसिस? व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मोलाइसिस? प्लाज्मोलाइसिस इज व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल. प्लाज्मोलाइसिस क्या कहता है कि जब आप किसी लिविंग प्लांट सेल को प्लेस करते हो, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर. बेटा जब ये लिविंग प्लांट सेल वाटर रिलीज करते, वाटर रिलीज करते थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं. राइट बेटा, अब देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारा सेल है इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दिस इज नॉन एज न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म. और बेटा इसी साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? हमारे सेल ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्म. और इस साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है? सेल ऑर्गेनल. न्यूक्लियस बेटा, न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं तो सेम जिस तरह से सेल के चारों तरफ एक लेयर प्रेजेंट थी, ऐसे ही न्यूक्लियस के सराउंडिंग भी एक लेयर होती है, डबल लेयर होती है. दैट डबल लेयर इज नॉन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दैट डबल लेयर इज नॉन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि डबल लेयर जो सेल की होती है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर. डबल लेयर जो होती है न्यूक्लियस के चारों तरफ, दिस इज नॉन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. राइट, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. बेटा यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ये न्यूक्लियस लगा लीजिए. इस न्यूक्लियस के अंदर क्या कंटेन होते हैं? क्रोमोसोम्स. इसमें क्या कंटेंस होते हैं? क्रोमोसोम्स कंटेन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम्स. बेटा ये क्रोमोसोम्स की शेप कैसी होती है? रोड लाइक शेप, रोड शेप्ड स्ट्रक्चर. और इन क्रोमोसोम्स में क्या कंटेन होते हैं? इनहेरिटेंस करैक्टर्स ऑफ पेरेंट, इनहेरिटेंस करैक्टर्स ऑफ पेरेंट इन फॉर्म ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, इन फॉर्म ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल्स होते हैं, जो कैसे होते हैं? बहुत एंटेंगल्ड होते हैं, थ्रेड लाइक मटेरियल होते हैं जो बहुत एंटेंगल्ड होते हैं. और ये एंटेंगल्ड जब अपने आप को डिवाइड करता है किस फॉर्म में? क्रोमोसोम की फॉर्म में. ये एंटेंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नॉन एज क्रोमेटिन. जब सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है तो ये क्रोमेटिन अपने आप को अरेंज कर लेता है. और किस में ऑर्गेनाइज कर लेता है क्रोमेटिन? इन क्रोमोसोम में. राइट, उसके बाद आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, आई होप ये आप सबको पता है. मेन पॉइंट हमें यहाँ पढ़ना है सेल ऑर्गेनल के बारे में. सेल ऑर्गेनल बेटा, सेल ऑर्गेनल में पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बेटा दोनों में डिफरेंस क्या समझेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? इसको पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स. इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स. राइट, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन पॉइंट समझना है कि इसका सरफेस कैसा होता है रफ, जैसे कि रेटिकुलम है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर राइबोसोम्स, और ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, दैट्स व्हाई रफ एंडोप्लाज्मिक लुक लाइक अ रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप, इट हैज़ अ पार्टिकल नॉन एज राइबोसोम विच हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. नेक्स्ट आता है यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा ये क्या करता है, फैट मॉलिक्यूल को बनाने में हेल्प करता है, फैट मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है. और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दोनों मिलके क्या करती है, सेल को बिल्ड करने में हेल्प करती है, बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों क्या बिल्ड करती है, सेल मेम्ब्रेन बिल्ड करती है, दैट इज नॉन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. द मेन पॉइंट ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन. ये क्या करता है, बहुत सारे हमारी बॉडी में जो पॉइजन्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है, डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स. कम टू द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल, दैट इज गॉल्जी अपरेटस. बेटा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है. यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे कैमिलो गॉल्जी. कैमिलो गॉल्जी ने ही अपने नाम पर सेल ऑर्गेनल का नाम रख दिया, दैट इज गॉल्जी अपरेटस. अब ये गॉल्जी अपरेटस कैसा दिखता है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं, पैरेलल. दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल विच आर पैरेलल टू ईच अदर इज नॉन एज सिस्ट्रीन. इसे हम क्या कहते हैं, सिस्ट्रीन्स कहते हैं. दिस इज नॉन एज सिस्ट्रीन. मेन पॉइंट ये जो गॉल्जी अपरेटस होता है बेटा, इसका कनेक्शन किसके साथ होता है, इसका कनेक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ. ये कनेक्शन रखता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, रखता है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहता है कि जो भी तुम सिंथेसाइज करोगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी सिंथेसाइज करेगा वो आगे ट्रांसफ़र होगा, पैक्ड करने में, डिस्पैच्ड करने में कौन हेल्प करता है, गॉल्जी अपरेटस. पैक्ड करने में, डिस्पैच्ड करने में कौन हेल्प करता है, गॉल्जी अपरेटस. मेन फंक्शन इज हेल्प इन द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स. स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट. एंड वन मोर थिंग, इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर. और ये क्या करता है, कुछ केसेस में ये कॉम्प्लेक्स शुगर्स भी बनते हैं, किससे, सिंपल शुगर से. जो भी सिंपल शुगर्स हैं उनसे गॉल्जी अपरेटस क्या करता है, सिंपल शुगर को किस में कन्वर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर में बनाने में भी हेल्प करता है. एंड द लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज इट ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम. इट ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम. ये लाइसोसोम बनाने में भी हेल्प करता है. आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा. नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, थर्ड सेल ऑर्गेनेल दैट इज नॉन एज लाइसोसोम. लाइसोसोम सभी को पता होगा कि ये एक पावर हाउस है सेल का. सॉरी इट इज़ अ सुसाइडल बैग्स. लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं, हम सुसाइड बैग्स कहते हैं. सुसाइड बैग्स.
ऐसा क्यों कहा हमने सुसाइड बैग्स क्यों कहा इसे? क्योंकि लाइसोसोम के पास मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड होते हैं जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक के डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं, और जितने भी तरह का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का होता है वो सारा कौन करता है? लाइसोसोम। ये क्या करता है? सेल को क्लीन करने में हेल्प करता है, सेल को क्लीन करने में हेल्प करता है, और जितने भी फॉरेन मटेरियल्स बाहर से आ रहे हैं उनको वॉर्न आउट करने में हेल्प करता है। राइट बेटा, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं इनके पास, जिस वजह से ये ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देता है। अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कोई भी डिस्टर्बेंस हुई, अगर बेटा मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कोई भी डिस्टर्बेंस होती है तो ये सेल क्या कर देता है? डैमेज हो जाता है और लाइसोसोम बस्ट हो जाता है, और ये एंजाइम अपने ही सेल को क्या कर लेती है? डाइजेस्ट करती है, अपने ही सेल को क्या कर देती है? डाइजेस्ट। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं? सुसाइड बैग्स। फिर मैंने आज की क्लास में आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता ही दिया था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पैक्योल्स क्या है, एंड सेल डिवीज़न, प्लास्टिड्स। तो छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। बेटा पावर हाउस होता है सेल के, इसमें भी दो मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। अगर मैं इसकी पिक्चर आपको ड्रॉ करके बताती हूँ तो ये कुछ इस टाइप से विजिबल होता है। पहली आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज नोन एज आउटर मेम्ब्रेन, और जितनी फोल्डिंग वाली मेम्ब्रेन है इन्हें हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन, एंड इज ऑल्सो नोन एज सिस्ट्रीन्स, सिस्ट्री। राइट बेटा, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक पावर हाउस है सेल का। जितने ज़्यादा इसमें फोल्डिंग होगी इनर मेम्ब्रेन की, उतना ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा किसको? एटीपी को। उतना ज़्यादा सरफेस एरिया किसको दिया जाएगा? एटीपी को दिया जाएगा, सो दैट कि जो एटीपी है अपनी केमिकल रिएक्शन कर पाए, केमिकल रिएक्शन कर पाए। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, दिस इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एंड द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एटीपी। मेन पॉइंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इट हैज देयर ओन डीएनए, हैज देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, हैज देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, खुद के डीएनए होते हैं और खुद का राइबोसोम होता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली, दैट इज प्लास्टिड्स। टू टाइप्स के हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये कलरलेस, ये कलरलेस। क्रोमोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट होता है, दैट पिगमेंट इज नोन एज क्लोरोफिल, एंड दिस इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट कैसा, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बेटा ये प्राइमरीली ऑर्गेन है जिसमें मटेरियल्स जैसे कि स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन, ग्रैनुअल स्टोर होते हैं, इज नोन एज ल्यूकोप्लास्ट। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। प्लास्टिड्स का खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है। मेन पॉइंट यहाँ पर एक और है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा बेटा, स्ट्रोमा क्या है? इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोप्लास्ट। जब क्लोरोप्लास्ट अपने आप को अरेंज कर लेता है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कर लेता है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें बहुत सारे न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड होती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। इस टाइप से मेम्ब्रेन एम्बेडेड होती है, लाइक दिस इज नोन एज स्ट्रोमा, इसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल, दैट इज वैक्यूल।
सभी स्टूडेंट्स अवेयर हैं कि वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है, और प्लांट सेल में वैक्यूल कितना परसेंट स्पेस ऑक्यूपाई करता है, 50-90% स्पेस ऑक्यूपाई करता है। वहीं पर एनिमल्स में जो वैक्यूल का साइज होता है बहुत ना के बराबर होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल्स का वर्क क्या है, ये फुल ऑफ सेल शेप और प्रोवाइड क्या करता है, टर्जिडिटी। बेटा टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, सेल को रिजिडिटी देता है, राइट। और जो फूड स्टोर होता है प्लांट के अंदर वो भी कहाँ स्टोर होता है, वैक्यूल्स के अंदर। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ आया है। थैंक यू बेटा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पीरियोडिक टेस्ट।